कैसे आप लोग? आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने सुबह से लगातार मुझे बधाइयां दी, लेकिन अभी ये वक्त ना बधाई लेने की है ना बधाई देने की है, क्योंकि इस तरह त्यौहार रोज़ आते हैं, रोज़ कोई ना कोई दिन होता है। अगर आप एक अभ्यर्थी होंगे और पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा रोज़ कोई ना कोई डे रहता है। आज भी डे था, कल भी है, परसों भी रहेगा, आने वाले समय में रहेगा। हमारे लिए हर दिन वो एक त्यौहार की तरह होता है, क्योंकि जब तक हम सफल नहीं हो जाते, जब तक जिस दिन तक हमारे सर पे या हमारे पीठ पीछे जिस दिन टैग नहीं लग जाता। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप पास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप बड़े अधिकारी हो। सफलता का मतलब जिस रेस के लिए आप दौड़ रहे हैं, हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाह रहा हो तो उसकी सफलता जिस दिन डॉक्टर बन गया। मैं पढ़ा रहा हूँ जिस दिन मुझे लगा कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ। आपकी सफलता यह है कि आप सुपर टेट पास करके अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी सफलता का राज मैं सुपर टेट ही कहूँगा, ये नहीं कहूँगा आप राष्ट्रपति बनना या प्रधानमंत्री। तो जिस रेस के लिए आप दौड़ रहे, जिस दिन वो रेस पूरी हो गई, जिस दिन आपको कामयाबी आपको मिल गई, उस दिन से आपके भी दिन स्टार्ट होते हैं। रोज़ दिन आएंगे, रोज़ दिन जाते रहेंगे, हम आप एक दूसरे को विश करते रहेंगे और आप भी हमें विश करते रहेंगे। अभी 5 दिन बाद 6 दिन बाद नया साल आएगा, आप सभी मुझे शुभकामनाएं देंगे, मैं भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात आपके भी जहन में आती है, मेरे जहन में भी आती है कि क्या साल भर के बाद ही एक नूतन वर्ष आता है? अगर हम अपने आप को देखें, मुझे कोई सिद्धांत से मतलब नहीं, किसी बात से मतलब नहीं है, तो एक बात ये स्पष्ट होती है, एक बात समझ में आती है, मेरे लिए हर वो सुबह एक नई दिन होती है, एक नया चैलेंज होता है, एक नया वर्ष होता है। नया वर्ष का मतलब क्या होता है? जैसे रोज खाते थे वैसे खाते हैं, जैसे रोज पहनते थे वैसे पहनते हैं, कॉलेज टाइम, ऑफिस टाइम, सारा टाइम मेरा वही है, तो नया वर्ष हुआ क्या? बस इसलिए कि नया साल मुबारक हो, इसलिए नहीं होता। इसलिए होता है कि अपने ढेर सारी कमियों से समझौता करें, अपने आने वाले समय में कुछ समझौता करें, कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, इसलिए नया वर्ष आता है, इसलिए नूतन वर्ष आता है। वरना तो मेरा हर सुबह एक नया वर्ष होगा ना, इसलिए नहीं आता। मैं आपको नया साल मुबारक बोला, आप मुझे तहे दिल से धन्यवाद दें और कहें हैप्पी न्यू ईयर सर। तो ऐसे साल आएंगे और जाएंगे, तो मेरा मतलब ये है कि साल से दिन से मेरा मतलब वो होता है जब अपनी कमियों का मूल्यांकन करें, कमियों को छोड़कर कुछ बेहतर करें, कुछ नया करें। मतलब मेरे दिल से आवाज़ आए कि इस नए साल में मैंने ये नया किया, या पिछले वर्ष जो 2018 बीत रहा है मैंने ये काम किए जो मुझे इससे बेहतर अगले वर्ष में करना है, तब मुझे समझ में आता है आप उस लायक हैं। आपको मेरे अंदर से आत्मा से आवाज़ आएगी, मैं आपको बधाई दूँ और आप बधाई के पात्र होंगे। ऐसे तो आप मुझे देंगे, मैं आपको दूंगा, तो ये वास्तविकता नहीं, क्योंकि एक अभ्यर्थी जीवन की, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, पढ़ने का मतलब है जिस क्षेत्र में आप लगे हो, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्रिकेट में कुछ दिमाग स्थापित करना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, सबके क्षेत्र अलग है, रेस अलग है, लेकिन जिसको मंजिल कहते हैं, गोल कहते हैं, वो एक है। गोल का मतलब जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आत्मा आपकी कहती है 4 बजे बेटा उठ जाओ, उठ जाते हैं, आप उठ जाते हैं, दौड़ना है, आर्मी में जाना है, जिस समय हम आपकी सबसे अच्छी नींद होती है बोर की, उस समय पैरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, वह होता है मंजिल। वह उन्हें अंदर से आवाज़ देती है, उठता है और 4 बजे ठंडी में दौड़ लगाता है। क्या वो सोना नहीं चाहता हम अब तरह, लेकिन उससे ये शौक नहीं, मुझे अध्यापक बनना, उससे ये शौक है मैं सीमा पे जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा, वैसा सीने में गोली लग जाएगी, लेकिन उस गोली खाने के लिए वो दौड़ता है और अपनी जिंदगी का बेस्ट देता है। तो उसी तरह हम आप भी हैं, और उस दिन मेरे लिए और आपके लिए नया साल होगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। और आप इस नए साल पे, पता नहीं मैं आपको विश करूँ या ना करूँ, आप मुझे विश करें या ना करें, मेरी बात बुरी लगी आपको अभी लाइक करेंगे और पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करेंगे, आप अपने झलक को प्रदर्शित करेंगे, आप अपने विचार को व्यक्त करेंगे। तो बस एक बात यह है कि इस नए साल पर आप कुछ नया करिएगा। नया का मतलब ये सारी बातें लोग, सारे लोग कहते हैं, पता नहीं मेरी तरह कई लोग आए होंगे, कहेंगे आप भी कहते होंगे, कहने का मतलब ये आपने पिछले वर्ष क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या ऐसी कमियाँ की जो अगले वर्ष में ना होने पाए। इस तरह से आप लोग कुछ बेहतर करिएगा और ये करिएगा। लोग कहते हैं ना मेरा ये वर्ष बुरा गया, मेरा ये वर्ष बुरा है, मुझे कुछ करना, कुछ नहीं होता, ये अब अंदर से होती है। मेरा रोज सुबह रोज नया साल होता है, बस उसे नए साल के जैसा बनाना पड़ता है। हम 12 बजे उठकर विश करने के लिए तैयार रहते हैं कि 12 बजे का सबसे पहले विश करेंगे। क्या कभी ये सोचा आपने कि कल मुझे सलवत पूरा करना है, मुझे 12 बजे तक जगना है? नहीं सोचा। जिस दिन यह दिमाग में आ गई आपके बाद, उस दिन आपका सफलता से कोई नहीं रोक सकता। कुछ नहीं करना है, हम 12 बजे तक इंतजार करते हैं, 12 बजे का पहला मैसेज को डालेंगे, दूसरा मैसेज सबसे पहले मैसेज मेरा होगा। लेकिन जिस दिन यह बात आपके दिमाग में आ गई कि आज 12 बजे सिलेबस खत्म तो खत्म, उस दिन आप सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो बस कुछ नहीं है, सुबह जो सुबह होगी वो आपका नया साल होगा, वह कोई नया दिन होगा, नया त्यौहार होगा। बस आप उठिए, भागिए, पढ़िए, 10 दिन बचे हैं जिंदगी के, फैसला कर देगा आपको क्या करना है, नया साल मनाना है कि खिचड़ी मनाना है। सब त्यौहार मनाते हैं पृथ्वी में, कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। हो सकता है मेरी बात भी आपको बुरी लगे, लेकिन
ये सच्चाई है, इससे मुंह मोड़ना, समझौता करना मत, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा अभी भी समय है। आप मनाइए नया साल, मुझे आपको रोकने का, कहने का, मना करने कोई अधिकार नहीं है और ना मैं अधिकार अपने सर पर लेना चाहता हूँ। बस मैं अपनी तरफ सजेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप मुझे कुछ समझते हैं, मेरी वीडियो को देखा, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट दें। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए आप प्रत्येक सुबह, आने वाला हर सुबह कुछ नया, कुछ बेहतर करें। सभी यूट्यूबर चैनल ने कहा कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा। पता है क्यों? कि मैं जानता हूं कि अभ्यर्थी किस तरह से मेहनत से पढ़ता है, जरा सी बात उसके जहन में आ गई किताब दूर उठा के फेंकता है। आज परीक्षा है, अगर दो दिन बाद परीक्षा हो कहता है सोएंगे पढ़ेंगे कल से, तो अगर ये पता हो जाए कि पेपर टल जाए, रद्द हो रहा है, उसका नींद पूरी हो जाएगी और किताब दूर हो जाएगा, और अगर पेपर छक हो जाएगा तो मुझे पता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ मलता रह जाएगा। इसलिए मैं शायद ऐसा इकलौता यूट्यूबर चैनल वाला होगा इसने ये चिल्ला कर यूट्यूब पे कहा है कि परीक्षा 6 तारीख को हो सकती है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। अरे यार बदहजमी नहीं हो जाएगा 4-6 अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, तबीयत नहीं खराब हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं पढ़े और परीक्षा 6 हो गई तो क्या हो सकता है, परिणाम मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए आप पूरे मेहनत के साथ पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं तब आपके साथ है जब आप वास्तव में कुछ बेहतर करना चाहेंगे या अपने जिंदगी का बेस्ट देना चाहेंगे। और जिंदगी में सफल होने के बस एक ही तरीका है, अगर आपको पॉकेट मार बनना है तो ऐसा पॉकेट मार बनेंगे कि आप उस स्थान का नाम लेते कहते अरे फला जगह पॉकेट मार, मतलब क्रिकेट खेलना तो जिंदगी पूरी बेस्ट दे दीजिए, क्रिकेट ही खेलिए, अब पढ़ना तो पूरी बेस्ट दीजिए ताकि आत्मा से आवाज आए कि यार वास्तव में मुझे सहायक अध्यापक बनना है। इसलिए मत पढ़िए कि अरे यार किसी तरह सहायक अध्यापक हो जाए, पास हो जाए, इसलिए पढ़िए मुझे सहायक अध्यापक बनना है। एक सीट मेरी है, एक सीट आपकी है और आप लेकर रहेंगे एक सीट। यार 14 लाख अभ्यर्थी थे, 1995 पद थे, तो बस क्या करना है, कैसे करना है, मैं शायद आपको बातें बड़ी बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभ्यर्थी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं आपके साथ आएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं न तारीफ करूँ मुँह पे जो सच्चाई मुझसे आपके सामने रखा, हो सकता है मेरी कमियों में से एक हो सकती है, इसलिए आप मुझे बुरा भी समझते होंगे। बस मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, आज से मेरी हर सुबह आपकी हर सुबह एक नई सौगात लेकर आएगी, वह नया दिन होगा। लोग कहते हैं नया वर्ष आया, लेकिन वास्तविकता यह है वह वर्ष मेरी जिंदगी के एक वर्ष कम हो जाता है। आप कहते हैं मेरा जन्मदिन है, लेकिन वह दिन आपका समय पूरा हो जाता है उतना दिन आपकी जिंदगी से कम हो जाते हैं, लेकिन हम आप क्या सोचते हैं, हम कभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं निगेटिव सोचते। मुझे लगता है मैंने जन्मदिन मनाया, लेकिन वास्तविकता यह है मैंने अपनी जिंदगी को इतने अच्छे पल कम कर दिए और खो दिए। अब बाकी बच्चे हुए जिंदगी आपको कैसे निभाने हैं, तो यह नया साल 2019 आपको सौगातों से भरा होगा, लेकिन वास्तविकता सौगात तब मिलेगी आप जब पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आप अपने जिंदगी का बेस्ट देंगे। मैं ये आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैप्पी न्यू ईयर है, वास्तव में इसे न्यू ईयर जिसे नूतन वर्ष कहा जाता है उसे वास्तव में बदल देंगे। परीक्षा डेट को हो टले मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे ये मान के चलना है परीक्षा 6 तारीख को होगी, हम पढ़ेंगे और कामयाब होंगे। एक सीट की दावेदारी है, एक सीट हम अपना लेकर आएंगे। अरे यार कौन कितना पढ़ेगा, हमसे ज़्यादा पढ़ेगा तब ना उसका होगा, आप उससे ज़्यादा पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं अगर जितने त्यौहार जितने भी आने वाले डे हैं उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बस इस उम्मीद के साथ आप जिंदगी का बेस्ट देंगे और सफल होंगे। और फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान करे आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने मंजिल में कामयाब हो, अपने परिवार का, अपने समाज के साथ साथ समाज का एक आइडियल बने। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को आपका उदाहरण दे कि फलाने का लड़का देख लीजिए आज पढ़ के अध्यापक हो गया, तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी एक दिन अध्यापक बनना। इसलिए अगर आपको समाज का एक सकारात्मक उदाहरण बनना है तो उस उद्देश्य से पढ़िए, इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि आप 40,000 रुपये तनख्वाह पाएंगे। अगर आपका नहीं हुआ, पता है पिछले जो माँ बाप बगल के हैं वो कहेंगे फलाना लड़का पढ़ के कुछ नहीं हो, तुम्हारा बाकी है, तो तुम्हारे वजह से, मेरी वजह से, आपकी वजह से एक और जनरेशन जो वास्तव में पढ़ना चाहती वह क्या हो जाएगी, उसका मोरल डाउन होगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। उनके लिए पढ़िए यार, अपने लिए तो कोई भी पेट पाल लेता है, उनके लिए पढ़िए जिनके लिए आप उदाहरण बनना चाहते हैं, उदाहरण बनेंगे आप, ये मेरा दिल या मेरा आत्मा कहता है, आप सफल जरूर होंगे और आपको देख के पूरा गाँव, पूरा समाज और वह बच्चे जिन्हें आप पढ़ाएंगे, जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। इसलिए दिल पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि हम नूतन वर्ष मेरा प्रत्येक सुबह होगा, हम हर सुबह नया साल मनाएंगे इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन मुझे कुछ बेहतर करना है। और मैं ये जानता हूं जिस दिन आप सोच लेंगे आप बेहतर करेंगे और सफल जरूर होंगे। और मैं अपनी बात को अब यही विराम देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तकलीफ हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप सभी को उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।